स्पीकर सर, जो एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जो आज जो बिल पेश की गई थी 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उस बिल की हम तायीद करते हैं। और कुछ सवालात हैं स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हमारे मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूँ। एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स की तहत ही ये 5 यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट परमिशन के लिए डाले हैं चल रहे हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स के अंदर जो रिजर्वेशन होता है एससी एसटी और बीसी के तहत, क्या उसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दिया जाएगा जैसा लेक्चरर्स है? लेक्चरर्स के अंदर जो कैटेगरीज रहते हैं, लेक्चरर्स को किस तरीके से अपॉइंटेड करना चाहिए? एससी कैटेगरी में होना चाहिए, बीसी कैटेगरी में होना चाहिए, एसटी कैटेगरी में होना चाहिए? क्या उसी तहत ही ये 5 यूनिवर्सिटीज़ को आप परमिशन दे रहे हैं एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की नॉर्म्स के तहत ही? ये सवालात मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाह रहा हूँ। थैंक यू। राजेंद्र रेड्डी गारू,